ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਨ ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ आज मैं हैदराबाद का आया था तो यहाँ के समोसे खाए हैं तो ये जी बेस्ट समोसा शॉप है यहाँ का समोसा ज़रूर ट्राई करें अगर आप यहाँ पे हैं मौजूद ये सामने जो है वो मेन रोड की तरफ जाती है सड़क जहाँ से मैंने वापसी बहावतपुर के लिए जाना है और सामने से यहाँ देखें तो ये लकड़ मंडी शुरू होती है यहाँ से और वो सामने जो मार्केट है वो गला मंडी है और यहाँ से इस तरफ जो जाती है ये लकड़ मंडी है लकड़ी की दुकानें हैं और यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा सा बाज़ार है जो दिखाऊंगा और हम बाहर निकलेंगे भावतपुर की तरफ तो चलते हैं आज हमारा सफ़र शुरू होगा वापसी का तो मिलते हैं फिर भावतपुर सामने की तरफ गला मंडी है सब्जी मंडी है वो सामने की तरफ और ये नहर है और यहाँ से हम आ गए हैं हैदराबाद से बाहर तो यहाँ से हैदराबाद से बाहर निकलने के बाद अब हमारा सफर शुरू हो चुका है तो रास्ते में रुकना नहीं मैंने स्पीड से निकलना है यहाँ से स्पीड और स्पीड घर घर पहुँच चुके हैं करता है और यहाँ बैठता है इसका घर है तो ये सिस्टम है बेगम चलेगी भी चलेगी ये देखें ना उसके बाल खींच खींच के उसने क्या हाल किया बेचारे का अब मायूस बैठा है जी घर पहुँच चुका हूँ मैं और सैड न्यूज़ ये है कि बंटी की बेगम जो है वो चली गई है क्योंकि वो बनी नहीं दोनों की मार रही थी बार बार उसके बाल नोच डाले उसने ना बड़ा परेशान किया तो भाई घर पहुंच गया हूँ मैं सफ़र अच्छा गुजरा थोड़ी सी थकावट है आराम करने से ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह बाकी ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है बेगम भाग गई है बेचारी की तो ये थी आज की वीडियो अभी सो जाऊँगा कल मिलेंगे आपसे कई वीडियो के साथ उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो नीचे ज़रूर अपनी राय भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ नीचे कमेंट करें ठीक है तो इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा तो मैं